दोस्तों आज की कहानी है बहू, आज मैं तुम्हारी नींद के दर्द को समझ पाई। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वारी तुम और वारी तुम्हारी नींद। कामिनी मयूरी को उबासी लेता हुआ देखकर सिनसिनाते हुए बोली, रात भर सोती हो फिर भी जैसे लगता कि नींद नहीं पूरी हुई। जहाँ देखो वहाँ बैठे बैठे ही सो जाती हो। मम्मी जी पिंकू रात भर बहुत ज़्यादा परेशान करती है इसलिए ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ। मयूरी थोड़ा वजह से उसको दिन भर जरा सा भी खाली होने का समय नहीं मिलता, लेकिन अगर उसको जब भी जरा सा भी मौका मिलता वह सीधे कामिनी से यही पूछती कि मम्मी जी मैं थोड़ी देर कमरे में लेट लूँ जाकर, क्योंकि पिंकू अब लगभग 3-3.5 साल की होने को आई और जब से पिंकू हुई तब से मयूरी नींद भर सोने के लिए तरसती रहती थी। लेकिन ये सुनकर कामिनी तो एकदम भड़क उठती, बहू तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे मैंने कभी बच्चे पाले ही नहीं, ऐसे ही दोनों बच्चे बड़े हो गए। कामिनी फिर से सीढ़ कर बोली, मम्मी जी मैं ये नहीं कर रही, लेकिन सचमुच पिंकू बहुत तंग करती है, दे भी ढंग से नहीं सो पाते, लेकिन कम से कम वो बहुत सुबह तो देर तक सो लेते हैं, लेकिन मुझको तो सब काम संभालने के लिए जल्दी ही उठना पड़ता है। ये कहते हुए मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। बहू तुम कोई अनोखी नहीं जो जल्दी उठती हो, गृहणियों को तो जल्दी उठना ही पड़ता है वरना घर का काम कौन संभालेगा। कामिनी कोई भी मौका मयूरी को सुनाने का छोड़ना नहीं चाहती थी। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार रात को पिंकू जबरदस्ती अपनी दादी और बाबा के पास सो गई। जब मयूरी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो वह पिंकू को उठाने के लिए आई। लाड़ दुलार के वंश कामिनी ने उसके पास ही सोते रहने के लिए कह दिया, मम्मी जी पिंकू रात को बहुत तंग करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए। मयूरी समझाते हुए बोली, बहू मैं तुम्हारी तरह नाजुक नहीं हूँ जो परेशान हो जाऊंगी, मैंने भी आखिर दो बच्चों को पाला ही है। कामिनी मयूरी को फिर से उलाना देते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर मयूरी अपने कमरे में सोने चली गई। अब तो सारी रात पिंकू ने कामिनी को परेशान कर डाला, कभी उल्टी लेटे, कभी सीधे, कभी कामिनी के पेट के ऊपर चढ़ गई, कभी कामिनी के सिर के पास पैर कर दिए। कामिनी उसको बार बार सही करे, लेकिन पिंकू को तो शायद इसी तरह सोने में मजा आता था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह कामिनी ने रात काटी, क्योंकि रात को तो वह पिंकू को मयूरी के पास ले नहीं जा सकती थी क्योंकि उसी ने बड़ी शान से मयूरी को ताना मारा था। सुबह को वह जैसे उठी मयूरी अभी आंगन में झाड़ू ही लगा रही थी। मान गए भैया, इस लड़की को सारी रात बिस्तर पर जैसे ओलंपिक खेलते रही, मेरे को तो इसने एक घड़ी भी सांस से नहीं सोने दिए। सिर दर्द के मारे फटा जा रहे हैं और आंखें नींद से बौझिर कामिनी जम्मू हाई लेते हुए बोली, मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि आप परेशान हो जाएगी, लेकिन आपने ही पिंकू को उठाने के लिए मना कर दिया। मयूरी अफसोस भरे शब्दों से बोली, बहू अच्छा हुआ कि पिंकू मेरे पास सोई, कम से कम मुझको तुम्हारी नींद के दर्द का एहसास तो हुआ, वरना तो मैं तुमको हमेशा नींद के लिए ताना ही मारती रहती थी।
कामिनी अफसोस भरे शब्दों में बोली, मयूरी बेटा अब तुम भी सुबह थोड़ा आराम से उठा करो, अगर अपनों का साथ नहीं मिलेगा तो कौन साथ देगा। शायद नींद की वजह से तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ते सले जा रहे हैं। अफसोस कि मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सोचना नहीं सहा। थैंक यू मम्मी जी, मयूरी तो खुशी के मारे उछल पड़ी। आओ मेरे गले लग जाओ। कामिनी को आज अपनी बहू पर बड़ा प्यार आ रहा था और मयूरी भी कामिनी के गले ये सोच कर लग गई कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है।